रहे मगर लैब और मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। अभी हम उपस्थित हैं गया के छोटकी नवादा के कॉटन मिल एरिया में। यहां पे जमीन खरीद बिक्री का कुछ गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी जांच अवर निबंधक पदाधिकारी के द्वारा उनके कुछ कर्मचारी को यहां भेजा गया था और अभी नापी चल रही है। कंप्लेनर का कहना है कि प्लॉट में मकान बना हुआ है पर उसे परती दिखाकर बेच दिया गया है। कंप्लेनर का ये भी कहना है कि सामने जो देख रहे हैं जो मंदिर बनी हुई है, इस मंदिर को भी भू माफियाओं के द्वारा बिक्री कर दिया गया है। आइए, यहाँ पे कंप्लेनर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या मामला है। अभी हमारे साथ मुखिया जी मौजूद है, इन्हीं के द्वारा जिला अधिकारी को आवेदन दिया गया था स्थल जांच के लिए और यहाँ पे स्थल जांच चल रही थी। आइए मुखिया जी से जानते हैं कि आखिर क्या मामला है जिसकी जांच हो रही थी। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम रविंदर यादव, पूर्व मुखिया रविंदर यादव। मैं अभी जो जांच चल रही थी वो क्या चीज का जांच चल रही थी? ये जांच चल रही थी 500 प्लॉट का परती दिखा के रजिस्ट्री किया गया है, इसमें 15-16 को मकान बना हुआ है। हाँ, हम बिहार सरकार पर भी कंप्लेन किए थे, जो 517, 502, 462 प्लॉट है, 514 और ये 500 प्लॉट है। तो मकान बना हुआ है और लोग उन्हें परती दिखा करके रजिस्ट्री करवा रजिस्ट्री किया गया है, सरकारी रेवेन्यू को चोरी अथी किया है, 19 जनवरी को रजिस्ट्री लिया है। ये कितना चोरी का मामला है सर इसमें? ये अरबों रुपये की, इसमें बढ़िया से जांच चलेगा ना। हम कंप्लेन मुख्यमंत्री का भी दिए हैं, के पाठक के भी, सचिवालय भी दिए हैं, अगर जांच बढ़िया से हो जाएगा तो इस LLBD का अरबों रुपया की चोरी पकड़ा जाएगा। अरबों रुपया का मामला है सर ये? 29 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है, उसमें 4-5 एकड़ बिहार सरकार बेच दिया है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे अभी कि मंदिर है, मंदिर को भी बेच, मंदिर का जमीन बेच दिया गया है, मंदिर का जमीन को भी बेच दिया। हाँ, किनके द्वारा बेच दिया गया? लिए हैं LLBD सुशील शराब। ये बेचने वाले कौन है? ये बेचने वाले हैं शिव शंकर भदानी, मोहन भदानी, ओम प्रकाश भदानी। सर अभी जो जांच चल रही थी, इस जांच से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए कितना इसमें नापी करके निकालते हैं निबंधन पदाधिकारी, ये DM साहब, नापी के बाद ही पता चलेगा। ऐसे कितने मकान बने हुए हैं सर जिसके लोग परती बना करके वो बेच दिए हैं, मतलब कितने मकान हो गए हैं सर? देखिए इस 500 प्लॉट में तो 10-12 गो है, बाकी 514 में 2 मकान बना हुआ है, फिर 462 में भी TOP है, मंदिर है, वहाँ पर भी बना हुआ है। चलिए ठीक है सर। किस प्राप्त हुआ जिसके तहत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लोग आए यहाँ नापी करने, है ना, गवर्नमेंट के लोग, और मैं यहाँ पे जो सेल हुई है ज़मीन, लोगों को गलतफहमी है कि मंदिर की ज़मीन बेच दी गई है, ये बिल्कुल असत्य बात है। जो रजिस्ट्री हुई है मंदिर को छोड़कर और बाकी हुई है, और बाकी ये सारा जो है NLBD का ही है प्लॉट, NLBD ने सरकार से लिया है, हमारे से कोई सरोकार नहीं, झगड़ा नहीं है। बाकी ये मेरे बाप दादा के समय से मंदिर भी है और TOP भी है, ठीक है। तो इसके संदर्भ तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भाई मंदिर की ज़मीन नहीं बेची गई है, मंदिर की ज़मीन क्लियर है। लोगों लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि भाई मंदिर बिक गया, मंदिर बेच दिया, है ना, लेकिन मंदिर को किसी ने नहीं बेचा, NLBD का नाम आ रहा है कि बेच दिया, जबकि जो मेरी संपत्ति है NLBD कैसे बेचेगा? तो मैंने उसको कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ, मंदिर सुरक्षित है। और TOP का काम? TOP भी सुरक्षित है। TOP देखिए गिर गया है, बार बार लोग बढ़ रहे हैं वहाँ कि पेड़ बाबू गिर गया, मेरा हथियार भी रखने में नहीं बन रहा है, कहीं चोरी नहीं हो जाए, हमने कहा कि इसको मैं बनवा कर। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं गया के निबंधन कार्यालय में, और अभी जो सामने एक मामला में आई थी छोटकी नवादा का, जो कॉटन मिल एरिया का कुछ ज़मीन है जो उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी। आइए यहाँ पे अवर निबंधन पदाधिकारी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं आखिर की गई, आखिर सत्यता क्या पाई गई है। सर, कॉटन मिल एरिया में आज कुछ जांच चल रही थी आपके कर्मचारियों के द्वारा कि कुछ में स्ट्रक्चर मकान बन गया है और उस जमीन दिखाकर रजिस्ट्री किया गया है, सर इसके बारे में क्या? हाँ, ये हमसे जो पहले पूर्ववर्ती पदाधिकारी थे उनके समय रजिस्ट्री हुई थी और स्टाफ को सही जगह नहीं दिखाकर गलत जगह दिखाया गया था, यह हमको जानकारी मिली। तो मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको एक पत्र लिखा था कि आप स्थल जांच सही जगह पर करवाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो स्टाफ गए थे सही, उसके बाद वो जांच करने में जो
आवास स्ट्रक्चर छिपा हुआ था उनको उन्होंने दर्शाया है और आगे राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी। ये एक कर वंचना का पक्षकार ऐसा गलत कार्य कर लेते हैं लेकिन जो कि सही नहीं है। हमसे सभी पक्षकार से गुजारिश यही है कि वो कृपया सरकार का जो टैक्स है वो जरूर दें। हो सकता है थोड़ा सरकार का टैक्स उनको देने में असमर्थता जाहिर करते हैं परंतु यह सही बात नहीं है। उनको सरकार का राजस्व देना चाहिए और देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज रजिस्ट्री करवाना है, जमीन की रजिस्ट्री करवाना है, तो उनका एक दायित्व तो होता है कि वो सही सही विवरण दे, अन्यथा ये तो चीट माना जाएगा। हम जाएं या न जाएं, अगर आप दस्तावेज में जमीन का विवरण दे रहे हैं, मकान का विवरण दे रहे हैं, तो आपका दस्तावेज सही रहेगा। आप किसी के बहकावे में आकर राजस्व क्षति के पॉइंट ऑफ व्यू से उस दस्तावेज में सही अंकित नहीं करते हैं तो ये तो आपको खुद ही घाटा हो रहा है। आने वाले समय में कोई व्यक्ति पिटीशन देगा तो डेफिनेटली आई विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। तो अभी अभी हम आकलन नहीं कर पाए लेकिन अच्छा खासा है जैसा कि हमको जानकारी है और पक्षकार देने को इच्छुक भी है। लीगल एक्शन यही है कि 47 में डीएम साहब का आदेश था कि आप जांच करवाइए और स्टैंप फीस जुड़वाइए। We'll be right back.